फ्रेंड्स वेलकम टू नाइन चैलेंज। दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मुंबई सिटी का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये वो सिटी है जो मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों में दुबई को पीछे छोड़ देने वाली है। सो वीडियो देखते हैं, नई डेवलपमेंट भारत की देखते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया एयरपोर्ट पे एंटर होते साथ ही भाई भी नजर आ गए और भाई के साथ यार आपसे आया तो मुझे पता है भाई वेलकम टू मुंबई। और भाई लेकिन एक बात है, मूवी और आज की चोरी भी बनी है, जल्दी जल्दी खाते हैं हल्दीराम की चोरी। मुंबई आए हैं और हमेशा भी ना खाएं कैसा हो सकता है। कोई ट्रैफिक ही नहीं थी भैया, ये वाले करोड़ों के अपार्टमेंट नहीं है। वाह फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मुंबई। अरे भैया यही है सीलिंग। अच्छा अच्छा, पता ही नहीं लगा कब आ गए सीलिंग पे भाई। खूबसूरत नजारा रात के 12 बजे मुंबई। मुकेश अंबानी की बेटी जो है ईशा अंबानी, उसका घर है। मुंबई इंडियंस के बोर्ड लगे हुए थे और बहुत बड़े बड़े बोर्ड थे। कम बड़ा सा मकान नजर आया भाई, ये तो कोई ऐसा लग रहा है कोई बुर्जुल अरब का टावर है भाई। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम कैसे दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट पकड़ के आए, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और इस वीडियो में हम भाई जाएंगे मुंबई सिटी में, तो मुंबई का फर्स्ट इम्प्रेशन आने वाला है। हम एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से बाहर निकल के हम मुंबई की सैर करते हुए अपने होटल तक जाएंगे। तो भाई ऐसी बहुत सी वीडियोज आती रहेंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, जो कि बहुत से लोगों ने अब तक नहीं किया, ताकि जो जो भी वीडियोज आती रहे वो आपको मिलती रहे। तो आइए एंजॉय कीजिए मुंबई का फर्स्ट इंप्रेशन। तो दोस्तों बस में हम बैठ गए हैं और अब टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और एक्साइटमेंट मेरी और बढ़ गई है। तो देखते हैं एयरपोर्ट कैसा है अंदर से। तो यार एयरपोर्ट पे एंटर होते साथ ही भाई भी नजर आ गए और भाई के साथ ये देख। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये मुंबई आते ही आपको बेल्ट और ये देखें कैटरीना कैफ, ये वो एनिमल वाली। भाई ये कौन है भैया? एक भाई खड़े हैं, इनसे पूछते हैं ये कौन है। कोई वो कह रहे हैं ये कौन है। यार आपसे आया तो मुझे पता है भाई, आप जब से रील इतने रील देख रहे थे बैठ के। मैंने वो रील वो देख रहे थे भाई। वो इसका क्या नाम है? इसका इसका कैटरीना। और इसका कैटरीना बता दिया ये। इसका नहीं पता। और इसका ये मुझे भी नहीं पता। इसका तो बिल्कुल ही नहीं पता। नहीं पता, दोनों को देखा है। अच्छा ठीक है। भाई एक बात तो कंफर्म थी कि एयरपोर्ट में एंटर होते साथ ही बॉलीवुड ही बॉलीवुड था। बॉलीवुड की भरमार है मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा जी, तो इनके नाम पे रखा गया बेसिकली एयरपोर्ट का नाम। तो अभी तक मैं कंफ्यूज था लेकिन अब सब चीजें क्लियर हो गई। ओ भाई पहुंच गए हैं, वेलकम टू मुंबई। ओ भाई लेकिन एक बात है, बाहर आके एकदम गर्मी है ना, एयरपोर्ट में तो अच्छा अच्छा लग रहा होता है, जैसे ही दरवाजा खुला है मेन एकदम बड़ा है पसीने। लेकिन कोई बात नहीं, मुंबई आने की जो एक्साइटमेंट है उसके लिए सब चीजें जो है वो दूर है। आते साथ ही एक नई चीज पहली दफा नजर आई है, एयरपोर्ट पे एक फूड कोर्ट है, आप बिल्कुल बाहर निकल गए तो ये समझ नहीं आई इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो खैर अभी तो हम थके हुए आए हैं, मुंबई एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई ये वो जगह है जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो डोमेस्टिक ट्रैवल करते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ऊपर छत, ये बहुत सी आपने रील्स में और एक्टर्स की उस पर देखी होगी जो आ रहे होते हैं और वो पापराजी खड़े होते हैं डोमेस्टिक में। तो ये वो जगह है जो हम अपने घर में बैठ के रील्स व्यू करके देखते थे और आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। ऑल दो कोई सेलिब्रिटी वगैरह तो नहीं है, पैसेंजर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लकी हुए और जब हम यहाँ वापस आएंगे तो शायद हमें कोई ना कोई नज़र आ जाए। तो हमने सोचा क्यों ना भाई हल्दीराम आए हैं, तो लास्ट हल्दीराम की वीडियो तो दिल्ली में ट्राई किया था, इतने कमेंट आए राज कचौरी नहीं खाई, हल्दीराम की राज कचौरी नहीं खाई,
तो अब आपके कमेंट्स को सीरियस लेते हुए एयरपोर्ट वाले हल्दीराम आए, इसका इंटीरियर बहुत फिट है, ये पीछे जिस तरह लिखा हुआ लाइटिंग शाइटिंग भी है, और राज कचौरी भी बनी है, तो राज कचौरी के सामने बैठ के राज कचौरी खाएंगे और फिर आपको रिव्यू देते हैं यहाँ की राज कचौरी कैसे, देखते रहें वीडियो, आए ऑर्डर करते हैं। तो भाई राज कचौरी ऑर्डर कर दी है और टेबल नंबर 15 का हमें एक बैच मिला है और उन्होंने कहा आप जाइए आपको वहीं पे सर्व करेंगे। अभी फाइनली राज कचौरी आ गई है भाई, राज कचौरी कितने लोगों ने कहा था यार देखने में तो बड़ी फिट लग रही है, जल्दी जल्दी खाते हैं हल्दीराम की राज कचौरी। भाई खुलिया बहुत ही क्रिस्पी, ओहो यार ये वो नहीं है जो हमने एक जगह खाई थी, वही है एक जगह हमने खाई थी दिल्ली में, उसको तोड़ा था तो उसमें से ये वही इस तरह नहीं होता लावा सा निकलता है और तोड़ा और चीज़ें सॉसेज निकल रहे थे, यहाँ पे नहीं है ड्राई ड्राई सा सीन है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर से इसका माल मसाला बहुत है लेकिन वो जो सॉसेज है ना उसकी कमी रहती है, शायद रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इनसे, चलिए खा के देखते हैं। हमने राज कचौरी को तोड़ तड़ा के अब इसका फर्स्ट राज कचौरी इन हल्दीराम, फर्स्ट टाइम चीज खाता है वो याद रह जाती है। यार टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन वो ड्राइनेस फील हो रही है, मजा जो मैंने दिल्ली में खाई थी ना वो जगह याद थी, वो जगह खाई थी ब्लॉग भी बनाया था, बहुत फिट थी यार उसके मुकाबले में, ये जो है ना मुझे कम नंबर तो वजह ही होटल वाले मुकाबले में नीचे, शायद इनमें और सॉस डलवा सकते हैं मैं पता करता हूँ अगर वो डाल देते हैं तो, लेकिन ये अगर इस फॉर्म में अगर खाएं तो डेफिनेटली इसके कम होंगे। लो भाई राज कचौरी खा ली और मुझे नहीं पता दिल्ली और मुंबई में फ़र्क है लेकिन यहाँ की राज कचौरी मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी नीचे बड़ी वैरायटी खा ली। तो भाई हल्दीराम तो हो गया, एक ये पिज़्ज़े वाला यार बड़ा दिल कर रहा है, शुरू में लग रहा था नहीं कुछ खाएंगे लेकिन अब दिल इतना कर रहा है, मुंबई आए हैं और खाबे शाबे ना खाएं कैसा हो सकता है, ऑल तो देसी है लेकिन ये मुझे बता रहे हैं कि डोना इटालिया मुंबई में काफ़ी जगह पे है तो क्यों ना एक थोड़ा सा पिज़्ज़ा ट्राई किया जाए और फिर आप पिज़्ज़े वाला भी है। तो पिज़्ज़े वाले भाई को भाई कहा स्पेशल पिज़्ज़ा बनाना है, बड़ी दूर से आए हैं और इसका रिव्यू भी करेंगे, तो उन्होंने कहा बेफिक्र हो जाए जी स्पेशल पिज़्ज़ा बनेगा और आपने ऑनेस्ट रिव्यू करना है, तो चलें खाते हैं पिज़्ज़ा। तो अभी आ गया पिज़्ज़ा भाई, वेज पिज़्ज़ा है, क्या बात है यार, थिन क्रस्ट है भाई, वेज मंगवाया है, मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं, कैप्सिकम है, खैर जो भी है खा के देखते हैं, थिन सा पिज़्ज़ा है, बड़ा ही फिट लग रहा है। तो भाई क्या हो गया ये, डोना इटालिया मुझे तो अच्छा है, यूजली मैं नॉन वेज वाला खाता हूँ, बहुत कम ही है जो मैंने वेज वाला खाया, तो जिसको वेज पिज्ज़ा पसंद है जिस तरह इन्होंने मुझे बताया मुझे नहीं पता ये पूरे मुंबई में जगह जगह खुला हुआ है, ट्राई कर सकते हैं, प्राइसेस 500 का ये तो वेज में बस ज्यादा सिरी डाल देते हैं और उसमें टॉपिंग देती है। तो भाई अब बारी थी मुंबई के फर्स्ट इम्प्रेशन की और अब तकरीबन मिडनाइट हो रही थी तो जल्दी से उबर ऑर्डर की अपने होटल जाने के लिए और अब आपको दिखाते हैं रास्ते में मुंबई का फर्स्ट इम्प्रेशन। तो भाई जैसा हमेशा सुना है मुंबई की ट्रैफिक जो है वो भाई सबको सरप्राइज कर देती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और हल्दीराम की जो है कचौरी और हल्दीराम से पहले भी हमने देखा था इनके बहुत चना चाट इस तरह की जो है चटपटी चीजें इनके जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में जो ट्राई करते हैं और राजमा कचौरी था ना राज कचौरी एक्चुअली ये प्योर इंडियन डिश है और इसको अब दुबई में भी सर्व किया जाता है, अमेरिका के अंदर भी ये चीज मिलती है
लेकिन ये जो इसका सही जो लुत्फ है ना आपको इंडिया के न सिर्फ मुंबई में बल्कि हर स्टेट के अंदर, यार ये मैंने अपने मॉल में भी देखी है सेम ऐसी की चोरी, लेकिन वो सॉसेस का थोड़ा फर्क आ जाएगा ना, ये जैसे उन्होंने कहा कि मैंने जो दिल्ली में खाई थी वो ज्यादा जूसी थी और मुंबई वाली थोड़ी उनको ड्राई लगी, तो डिश वही होती है लेकिन शेफ टू शेफ जो है ना टेस्ट जो होता है ना वो चेंज होता है। लेकिन मुंबई सिटी 2024 में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुबई अनबिलीवेबल, इतनी प्यारी इतनी डेवलप, मतलब छोटे छोटे फ्लैट वहां पे दो दो तीन तीन चार चार करोड़ के हैं, और अंबानी की फैमिली तो वो तो इतनी रिच है कि हम सोच भी नहीं सकते, और उनके जो घर हैं वो तो जाहिर है हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसे लगता है कि उनका कहना घर थोड़ी है उनका तो पूरा महल है, ऐसे लगता है बुर्ज खलीफा यहीं पे खड़ा है। और इंडिया के अमीरों की अमीरी का भी क्या कहना, और हर चीज इंडिया के अंदर जी हम देखते हैं बहुत ज्यादा यूनिक होती है। जैसे उन्होंने पिज्जा दिखाया 500 रुपए में 12 पीसेस वाला, और यहाँ पे और एयरपोर्ट इतना प्यारा है, मैंने कभी इतना खूबसूरत एयरपोर्ट नहीं देखा है, जगमग कर रहा था, डिफरेंट लाइट्स लगी हुई थी और इतना नीट एंड क्लीन, बहुत प्यारा एयरपोर्ट है। हमारे एयरपोर्ट ये पार्किंग की पार्किंग से लिफ्ट से ऊपर आए, ऊपर आके वहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल वो अराइवल और डिपार्चर और डोमेस्टिक, बस सामने गेट है यस, और आप अपने जो आपके साथ जो आए उनको उनको कहेंगे अल्लाह हाफिज बस, और जो खाने पीने वाली जगह है वो छोटा सा 1% अलाउ करते हैं, वो एक शॉप है छोटी सी जिसके अंदर आपको ठंडा पानी मिल सकता है, बोतल मिल सकती है, उसमें ठंडा पानी और बोतल कितने की है, डबल लगा लो फिर वो आपको उतने का पानी मिल जाएगा, इतना महंगा। और एक जगह पे कोई 20-25 जो है चेयर्स लगी होगी वेटिंग रूम के लिए, वो भी बरामदों में, वो अभी वो वाली चेयर्स हैं जो रेलवे स्टेशन के बाहर, और ये तो ऐसे लग रहा था मॉल है, इतना खूबसूरत के बंदा कहता है कि वाह यार कहाँ गए, अमेजिंग इंडिया ने वाकई बहुत तरक्की की। मुझे ना एयरपोर्ट जाने का बड़ा शौक था, मेरे जो चाचू थे वो उमरा करने के लिए जा रहे थे, हम उनको रिसीव करने के लिए जब गए, मैंने जब देखा मैंने कहा अम्मी ये हमारा एयरपोर्ट, अम्मी कहती है मैं कहा ये मुझे आप किस जगह पे ले आए, मुझे वापस घर जाए, मतलब कि इतना बोरिंग ना, उधर एसी लगे हुए थे, पसीने से बुरा हाल भी नहीं है, और इवन के लाइट वहां पे गई थी और पसीने से बुरा हाल ना, वहां पे पंखे चल रहे थे, एसी तो था ही नहीं, ऐसे खुला माहौल था, सारी धूप अंदर आ रही थी जो वहां पे वेटिंग पे बैठे हुए थे, तो अजीब हो, कभी दिखाएंगे आपको ना रेलवे स्टेशन जैसे हमारे। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल ही लिखता है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर इंटरनेशनल ये होता तो फिर इंडिया वाला क्या था, नेशनल हो यार। इंडिया ने वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरक्की कर लिया है, जबरदस्त देख के जो है बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसे लिख रहा है कमेंट्स में शेयर करें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, गुड बेस्ट।